देश का यूपीआई सिस्टम यानी पैसा ट्रांसफर करने का सिस्टम इतना शानदार है कि दुनिया इसकी मुरीद है। भारत में तो इसका बोलबाला ही अलग है। यूपीआई कितना सक्सेसफुल रहा है इस बात का अंदाजा आप आंकड़ों से लगा सकते हैं। एनपीसीआई के ताजा जारी आंकड़ों के अनुसार यूपीआई पर मई महीने के दौरान यानी जो अभी बीता है हाल में, इस महीने के दौरान टोटल 941 करोड़ ट्रांजेक्शन किए गए हैं। इन डिजिटल ट्रांजेक्शन की टोटल वैल्यू 14.3 लाख करोड़ रुपए रही है, जो एक साल पहले के मुकाबले में 37% ज्यादा है। ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा है, इसलिए यूपीआई के डंके की गूंज देश के साथ साथ विदेशों में भी सुनाई देती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस यूपीआई का इस्तेमाल आप रोजाना करते हैं उसे आप जानते कितना है, मतलब क्या है यूपीआई। वैसे हो सकता है बहुत से लोगों को पता भी हो, लेकिन जिनको नहीं पता है ये इंफॉर्मेशन आज उनके लिए है। यूपीआई को सरल भाषा में आप अपना बटुआ समझ सकते हैं। बस अंतर इतना है कि ये बटुआ डिजिटल है। एक बात आपको माननी पड़ेगी और वो ये कि जेब में रखने वाले आपके बटुए से ज्यादा काम का है ये डिजिटल बटुआ। दरअसल वॉलेट सर्विस देने वाला हर ऐप यूपीआई के जरिए लेन देन की डायरेक्ट सुविधा देता है, यानी अगर आप चाहें तो वॉलेट से भी लेन देन कर सकते हैं और यूपीआई से भी। भारत में ई पेमेंट के लिए वॉलेट सेवाएं भी उपलब्ध हैं। पूरे देश में जितना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका 50% से भी बड़ा हिस्सा वॉलेट ऐप का है। रिटेल पेमेंट में यह आंकड़ा 85% से भी ऊपर का है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये यूपीआई कमाल का बना कैसे है? मतलब चुटकियों में पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। सुविधाएं भी काफी कमाल की हैं। जैसे यूपीआई सिस्टम रियल टाइम में फंड को ट्रांसफर कर देता है। एक एप्लीकेशन में ही कई बैंक अकाउंट्स लिंक किए जा सकते हैं। किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी की जरूरत होती है। और दूसरी कमाल की बात, यूपीआई ऐप के जरिए आप 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं। कितना आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीआई को IMPS के मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसलिए ये 24/7 काम करता है। इसका एक और बड़ा फायदा है, यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए OTP, CVV कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट जैसी किसी भी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी सब कुछ बस पलक झपकते ही आपके एक क्लिक पर हो जाता है और आप बस चंद सेकंडों में अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से अपने यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, खरीदारी, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की कोई जरूरत भी नहीं होती। तभी तो विदेशी सरकारें भारत का लोहा यूपीआई में मानती हैं कि हाँ कुछ करके दिखाया है। क्या आप मानते हैं? क्या आप इस्तेमाल करते हैं यूपीआई? कमेंट बॉक्स में बताएं।